इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है। यूपी के इटावा से खबर है, जहां कल होने वाली मतगणना से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव ने मतगणना स्थल पर डाला डेरा। अंशुल यादव ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, प्रशासन कर सकता है उलट। अंशुल यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील कि मतगणना खत्म होने तक आप लोग मतगणना स्थल के आसपास ही बने रहे, प्रशासन ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया तो हम लोग करेंगे आंदोलन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है। इटावा से एक खबर है, जहां अंशुल यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि प्रशासन उलट फेर कर सकता, प्रशासन ने लोकतंत्र के साथ यदि खिलवाड़ किया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव का, जिन्होंने मतगणना स्थल पर डेरा डाला। आज आप लोगों की हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान ने हमें, हम लोगों को, हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को 18 साल से बड़े व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार दिया। लेकिन जब लोगों को अपना वोट डालने के बाद भी भरोसा ना रहे कि हमारा वोट सुरक्षित है, हमारा वोट जिसको हमने दिया है वहां पहुंच रहा है, हमारे वोट की सही तरह से देखभाल हो रही है, जब लोग इसी में संशय आ जाए तो कहीं ना कहीं सीधे हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र पर खतरा है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आह्वान किया था कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो लोग आगे आए और अपने वोट की रक्षा करें, अपने संविधान की, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़े हों। तो आज हम सभी समाजवादी साथी लोग यहाँ आए हैं, कल से इकट्ठे हैं और हम लोग अपील भी करते हैं हर उस व्यक्ति से जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए मतदान किया है। बहुत सारे लोग इस भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रशासन के लोगों के खिलाफ खड़े हों, हम लोग के साथ आकर सहयोग करने का काम करें और हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज शाम से ही मंडी स्थल के आसपास जितने मोहल्ले हैं, हर जगह मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों, अपने जानकारों के यहाँ रहें, आज से यहीं अपना डेरा डाल लें, अपने लोगों के घरों में रुकें और अगर प्रशासन किसी भी तरह की अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो हम लोग उनसे हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर तरह की तैयारी के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। किस तरह का सहयोग आप चाह रहे हैं? देखिए, हमारे लोगों से तो सारे लोग सहयोग करने की तैयारी हैं और सब तैयार हैं, आप बस इसकी चिंता ना करें क्योंकि कुछ शिकायतें बहुत सारी हमें इटावा से भी आई हैं। अभी एक वीडियो हमें इटावा का भी मिला है, अभी हम उसको आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे लेकिन अभी उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, वो इटावा के ही है लेकिन उस गाड़ी पर नंबर इटावा के ही है और उस पर जो दिख रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, वो ईवीएम बॉक्सेस की तरह नजर आ रहे हैं उसके उधर। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है तो संशय है, तो उस चीज को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा सतर्क हैं। हम लोग अपने वोट की, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता का जिस तरह का वीडियो मिला है, क्या वीडियो में है, प्रशासन से आप लोग क्या? देखिए, हम लोग को जो वीडियो मिला है, एक इटावा के एनएच से एक लोडर जिसमें कुछ ईवीएम के बॉक्सेस दिख रहे हैं और गाड़ी का नंबर UP 75 BT करके था कुछ। हाँ, तो अब वो है, अब क्या है, अब उसको अभी हम नहीं कह सकते लेकिन वीडियो आया है, जब तक उसको हम पुष्टि ना हो जाए इसलिए नहीं। तो थोड़ा शंका जो माहौल पूरे प्रदेश में है तो उसी वजह से हम लोग भी थोड़ा सतर्क हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो मतदान लोगों ने किया है पूरे ईमानदारी निष्पक्ष हो। हम प्रशासन से भी यही चाहते हैं कि जो देश के लोकतंत्र नहीं उन्हें उस व्यक्ति पर बिठाला है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र में जो हमारे लोगों ने वोट डाला है उनके वोटों का सही से गिनती हो, निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष मतगणना हो और परिणाम जब सामने आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इटावा की तीनों सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में कल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।